हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। मैं शिवशंकर तिवारी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स पेज में। दोस्तों, जैसा कि आपने कमेंट किया था कि इलाहाबाद आरआरबी का आपको कटअप के लिए, जो कि जोन वाइज कटअप मैं डिसाइड लेके आ रहा हूं हर रोज, और ये हमारा चौथा दिन है और चौथे दिन हमने इलाहाबाद का लेके आया है कटअप। और आप लोगों का कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगा, काफी अप्रिशिएट दे रहे हो आप, लाइक मिल रहा आप लोगों का, शेयर कर रहे हो आप लोग, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दोस्तों को। और खासकर इलाहाबाद वाले लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो कमेंट किया था कि इलाहाबाद का निकाले, तो 90% की एक्यूरेसी के साथ ये कटअप हम लेके आए हैं। डेफिनेटली सारी डिटेल्स यहाँ पे मैं प्रोवाइड करूंगा, जितने भी प्रीवियस ईयर कटअप क्या था, 71 का कटअप क्या था, और जो कि वैकेंसी जो बढ़ी हुई थी वो वैकेंसी कितनी है, अलग अलग ग्रुप के लिए कितनी कितनी वैकेंसी है, सारी डिटेल प्रोवाइड करेंगे। और फाइनली हम देखेंगे कि इलाहाबाद के लिए कटअप क्या हो सकता है। दोस्तों, ऑनलाइन सर्वे जो हमने कराया है वो रिस्पॉन्स सेट भी आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि चीजें आपको समझ में आए। सिर्फ यहाँ मैं कटअप नहीं बल्कि पूरी डिटेल आपको प्रोवाइड करूंगा, पूरी डिटेल प्रोवाइड करूंगा किस बिहाफ पे मैंने ये कटअप डिसाइड किया है। तो दोस्तों, एक चीज और बता दूं कि जो भी मार्क्स आपने गेन किया है, अगर कटअप में आपका मार्क्स आता है तो यहाँ आई बटन पे आप क्लिक कर लीजिएगा, वहां पे आपको ऑल डॉक्यूमेंट का जो रिक्वायरमेंट है एएलपी में, ठीक है, जितने भी डॉक्यूमेंट का वहां पे जरूरत पड़ने वाली है वो सारे डॉक्यूमेंट का मैंने एक वीडियो बना के रखा है, और किस फॉर्मेट में होना चाहिए डॉक्यूमेंट इसकी भी वीडियो मैंने बना के रखी है। तो आई बटन पे क्लिक करिए और वहां पे आप जाके पूरी डिटेल को आप चेकआउट कर लीजिए। तो चलते हैं बिना देर किए और देखते हैं कि प्रीवियस ईयर कटअप क्या रहेगा। इससे पहले दोस्तों बता दूं कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, नए हैं चैनल पे हमारे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हर रोज कुछ नया जोन का कटअप जरूर यहां पे आता रहता है। और अगर आप कमेंट करते हैं कि स्पेशली आपके जोन का कटअप चाहिए तो डेफिनेटली आपके जोन का कटअप दिया जाएगा, जिस जोन के लिए सबसे ज्यादा कमेंट आएगा उस जोन का कटअप पहले दिया जाएगा। दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, उनको भी अपना देखने का मौका जरूर मिलना चाहिए। तो देखते हैं प्रीवियस ईयर कटअप। यहाँ पे प्रीवियस ईयर कटअप में देखिए इलाहाबाद का है जो कैटेगरी वन लोको पायलट का जो यहाँ पे कटअप था, जो कि नॉर्मलाइजेशन मार्क रिटर्न एग्जाम में के बाद का ये कटअप है, जिन्हें साइको टेस्ट के लिए बुलाया गया था। तो ये कैंडिडेट जो यूआर के हैं उनको 55 मार्क्स जिन्होंने गेन किया था, इससे ज्यादा यानी कि 55 पे कटअप गया था साइको के लिए, ठीक है। वही एससी के लिए 38 गया था, एसटी के लिए 40 गया था, ओबीसी का 42 और एक सर्विसमैन का यहाँ पे 30 मार्क गया हुआ था। साइको टेस्ट में इन लोगों को बुलाया गया था और फिलहाल आपका भी साइको टेस्ट होने वाला है, तो कुछ इसके नियर अबाउट हो सकता है। और इसके बावजूद भी मैंने जो भी डिटेल्स हैं स्टूडेंट के, उसको रिस्पॉन्स शीट में जो भी उन्होंने अपने मार्क्स भेजे हैं उसके भी आप अपने कटअप डिसाइड किया है। तो कुछ इस तरह क्रिटेरिया है कि ये इतने मार्क्स लाने वाले को साइको टेस्ट में बुलाया गया था। उसके बाद हम देखेंगे कि जब नॉर्मलाइजेशन हुआ और 30% मार्क्स साइको टेस्ट का जब जुड़ा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितने मार्क्स पे लोगों को बुलाया गया था। तो फिलहाल आपने देखा कि यहाँ पे यूआर कैंडिडेट का 55 मार्क्स था जो कि साइको टेस्ट के लिए बुलाया गया था, और फिर 30% मार्क जुड़ने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ उनके मार्क्स में, और 55 से बढ़ के कितना हो गया, 57.25 हो गया। और इतने मार्क्स गेन करने वाले कैंडिडेट को वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। और एक चीज और बता दूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी भी तरह का कटअप डिसाइड नहीं किया जाता है, ये सिर्फ एक प्रोसीजर होता है कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट चेक करने का, और जिसका डॉक्यूमेंट पूरा क्लियर होता है उन्हें वहां पे छाटा नहीं जाता है। तो बिल्कुल इस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट की तैयारी जरूर कर लेनी चाहिए अगर आपका मार्क्स अच्छा आया हुआ है तो, और उसके लिए पूरी डिटेल हमने प्रोवाइड कर रखी है। आई बटन पे क्लिक कर लीजिए और वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जितने भी डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, ये सारी डिटेल प्रोवाइड करी गई है। वहीं डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक जरूर दे दूंगा, आप वहां भी जाके देख लीजिएगा। एससी कैंडिडेट का देखिए वहां पे 50 मार्क गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, और वही एसटी के लिए 46.98 गया था, ओबीसी का 57.12 और एक सर्विसमैन का यहाँ पे 53.15 कट ऑफ गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। ये मार्क्स जो था वो 70% जो कि रिटर्न एग्जाम था और 30% साइको टेस्ट था, इन दोनों का एड करने के बाद ये मार्क्स रहा था। फाइनली जब फाइनल अलॉटमेंट हुआ तो उसका देख लेते हैं कि फाइनली कितने नंबर पे लोगों को सिलेक्ट किया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। तो देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के तो एलपी एनसीआर एनआर और एनआर, ठीक है, तो ये एनआर जो है एनआर के कैंडिडेट जो कि एनसीआर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे और नॉर्थ रेलवे कैंडिडेट को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया था। तो यहाँ पे देखिए यूआर कैंडिडेट को 67 पे सिलेक्ट किया गया था एनसीआर में, और एनआर में भी 67.17, तो मामूली सा डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है।
मामूली सा डिफरेंस है, वही एनआर में आरआरबी जम्मू भी आता है, ठीक है, आरआरबी जम्मू भी एनआर में ही आता है, तो इसलिए उसका भी कटअप यहाँ पे दिखाया गया है कि 63.78 उसका गया हुआ था। वही एससी कैंडिडेट की बात करें तो 55.60 और एनआर में 55.41 गया था। तो नॉर्मल सा बस डिफरेंस रहा था। आपने फॉर्म भरते वक्त देखा होगा कि आपको दो दो कैटेगरी दिखाई देती है, उनमें इलाहाबाद के लिए एनसीआर भी होता है, एनआर भी होता है, एनआर में दिल्ली रीजन आता है, ठीक है। वही एसटी की बात करें तो 46.98 और 49.16 यहाँ पे थोड़ा सा देखिए डिफरेंस देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। वही ओबीसी कैंडिडेट का देखें तो 62.04 और 61.12 यहाँ पे मार्क्स गया हुआ है। ईएक्स सर्विसमैन के लिए एलपी एनसीआर में कोई भी पोस्ट नहीं था, इसलिए यहाँ पे कोई कटअप दिखाया नहीं गया है। वही एनआर में इनकी पोस्ट थी तो यहाँ पे 53.15 मार्क्स गया हुआ है एक सर्विसमैन का। तो ये फाइनल अलॉटमेंट था जो कि इतने मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट को फाइनली जॉब रेलवे में मिल गई थी। तो बिल्कुल दोस्तों, मैं यहाँ पे जो कटअप बताऊंगा वो कटअप फाइनल अलॉटमेंट के लिए ही होगा, यानी कि अगर आप अभी साइको टेस्ट के लिए जो आप सिलेक्ट हो जाओगे उसके बाद यही मार्क्स आपका 70% इसका और 30% साइको का जुड़ने वाला, तो यहाँ पे कुछ अच्छा मार्क्स होगा तो वहां पे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। तो कुछ इस तरह के ही कटअप इसी बिहाफ पे कटअप हम डिसाइड करने जा रहे हैं। वहीं प्रीवियस ईयर टेक्नीशियन की बात करें तो देख लेते हैं टेक्नीशियन के पोस्ट वाले कैंडिडेट का कितना परसेंट मार्क गया था। तो यहाँ पे कटअप हमेशा ही हाई रहती है क्योंकि टेक्नीशियन का पोस्ट थोड़ा सा कमी होता है और नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे देखिए 91 गया था रिटर्न एग्जामिनेशन में, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब बुलाया, रिटर्न एग्जाम हुआ था उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया क्योंकि यहाँ पे साइको टेस्ट होता नहीं है तो डायरेक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ही बुलाया जाता है। और आज यहाँ भी जो आपका 72 रिजल्ट आएगा इसके बाद भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाना है। तो फाइनली यहाँ पे देखिए 91, और एक चीज और, ये जो मार्क्स है ना वो 120 में से 91 है, ठीक है, 91 नंबर जो है वो 120 में से है। तो डरने की बात नहीं है कि 91 100 में से नहीं गया है, ये 91 120 में से गया है। और इस हिसाब से देखें तो ये कुल 75% के नियर अबाउट, 76% के नियर अबाउट ये मार्क्स है, यानी कि 76% भी मान लें तो अगर आपका 76 से अबव है तो आप अपने आप को सिक्योर समझ सकते हो, ठीक है। लेकिन फाइनली अभी मैं कट ऑफ बताऊंगा तो आप उसमें चेकआउट करिएगा। यहाँ पे देखिए एससी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 80 था, एसटी के लिए 76 और ओबीसी के लिए 90, यानी कि लगभग यूआर से सिर्फ एक नंबर और एक नंबर से भी कम है ये, ठीक है, उतना ही डिफरेंस रहता है ओबीसी और यूआर का। और एक सर्विसमैन का यहाँ पे देखिए 57.3 दिन, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो है उनका 79.58 यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इतने नंबर वाले लड़कों को बुलाया गया था। अलग अलग कैटेगरीज है, ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी का नाम मैं इस दूसरे स्लाइड में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए कि ये जो था ये फाइनल अलॉटमेंट था, ठीक है, यहाँ पे देखिए टेक्नीशियन फाइनल अलॉटमेंट सिलेक्शन जो हुआ था फाइनली कितने नंबर के लोगों को सिलेक्ट किया था। वहां पे जो हमने 2 नंबर देखा था, यहाँ पे देखिए 2 नंबर का जो कैंडिडेट था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 91 पे इसको बुलाया गया था, तो इंक्रीमेंट कितना हुआ देखिए 92.81 हो गया, यानी कि सिर्फ 1 मार्क्स का यहाँ पे इंक्रीमेंट किया गया था। तो बहुत ज्यादा इंक्रीमेंटेशन देखने को नहीं मिलेगा अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाते हो, ठीक है, और कटअप जो भी रहता है, और कटअप से आपका 3-4 मार्क्स अगर आपका ज्यादा है तो डेफिनेटली आप अपने आप को सिक्योर समझिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ज्यादा मार्क्स नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो क्योंकि ज्यादातर कैंडिडेट वहां बुलाए नहीं जाते, ओनली 50% ज्यादा कैंडिडेट को बुलाया जाना है, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो डॉक्यूमेंट में ही छड़ जाते हैं, इसलिए आपको डॉक्यूमेंट के लिए बहुत ज्यादा प्रिपेयर होना पड़ेगा, ठीक है। और इसका वीडियो जरूर देखिएगा, आई बटन में मैंने दे रखा है वीडियो, ठीक है, उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट में छट जाओगे तो फिर कोई मतलब नहीं है, आपका मेहनत किया हुआ सारा बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए टेक्नीशियन सिग्नल का जो था फाइनल जो अलॉटमेंट हुआ था 92.81 जो कि 76% होता है 120 का, इसी के आसपास कुछ डेसिमल मार्क्स आ सकता है, ठीक है, तो इतना 76% इसको मान सकते हैं। वही एससी के लिए 80 और एसटी के लिए 76, ओबीसी का 91, 120 में से मार्क्स है ये सारे, ठीक है, 100 में से मत समझिएगा आप लोग। ये एक सर्विसमैन का 58.49 था। वही अलग अलग ट्रेड का आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारे ट्रेडों में लगभग 70 से ऊपर ही है, 60-70 के आसपास है, ठीक है, 79-74 देखिए, 68 यहाँ पे, 75-87-67, तो जितने भी ये पोस्ट है देखिए, फिल्टर वाले कैंडिडेट का भी पोस्ट यहाँ पे देखिए 75 मार्क्स गया है, 120 में से 75 मार्क्स गया है, इसका मतलब ये 60% कह सकते 60% से भी ये कम मार्क्स है, ठीक है, 60% से भी ये कम मार्क्स है आईटीआई वालों का गया हुआ है। यहाँ पे देखिए 68 है इनका, देखिए और भी लगभग नियर अबाउट 55 के आसपास
57 के आसपास इनका मार्क्स है। तो कुल मिला के जो आईटीआई कैंडिडेट हैं उनका मार्क्स यहाँ पे कम रहने वाला है, और जो कैंडिडेट थोड़ा सा टेक्नीशियन एफिशिएंट वाले हैं उनका थोड़ा सा यहाँ पे मॉडरेट देखने को मिल रहा है पिछले साल, यानी कि ये 2014 का जो कटअप है उसके भी यहाँ पे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये पूरा प्रीवियस ईयर का कटअप था टेक्नीशियन का और एलपी का आपने देख लिया। अब हम देखते हैं कि इस साल सीबीटी वन का कटअप क्या गया था। सीबीटी वन का कटअप देखने से हमको ये पता चलता है कि पिछले साल का जो अभी जो पिछला एग्जाम हुआ है उसमें ज्यादातर कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया गया है, जिसकी वजह से उस कटअप से बिलो नहीं जा सकती है कटअप। तो इसको भी एक हम कटअप डिसाइड करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका मैं मानता हूँ, इसलिए मैं सीबीटी वन का भी कटअप यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए कि सीबीटी वन का जो कटअप था एएलपी कैंडिडेट का, यहाँ पे देखिए ट्रैक्शन के यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन असिस्टेंट लोको पायलट का जो था वो 50 मार्क्स गया हुआ है, किसमें में से 100 में से 50 नंबर यानी 50% यहाँ पे गया हुआ है यूआर कैंडिडेट का। वहीं एससी का 36 नंबर है, एसटी का 27 और ओबीसी का 41 मार्क्स रहा है असिस्टेंट लोको पायलट का। और भी जिसमें देखिए दूसरे वाले में यहाँ पे मैकेनिकल का है उसमें 42 गया है, 30 गया है, एसटी का 25 गया है और यहाँ पे 34 गया हुआ है। इस तरह से अगर हम आईटीआई वालों का बात करें, देखिए यहाँ पे 40 मार्क्स गया है, 54 गया है, ठीक है, 40%, 54%, 55% ऐसे मार्क्स गए हुए हैं आईटीआई वाले सबका। देखिए 40%, 40, 40, 40, 41, 40 ऐसे मार्क्स गए हुए हैं। और एससी की बात करें तो 30 गया हुआ है, ठीक है, एसटी की बात करते ये 25 के नियर अबाउट, 26 के नियर अबाउट इनके मार्क्स गए हुए हैं जितने भी आईटीआई कैंडिडेट हैं। वहीं ओबीसी की बात करते हैं 32 के आसपास इनका मार्क्स, 30 के आसपास इनका ही मार्क्स रहा है। वहीं मैं पीसीएम वाले कैंडिडेटों की बात करें तो देखिए यहाँ पे पीसीएम एसएनटी के जो कैंडिडेट है उनका 69 यानी कि 70 के आसपास इनका मार्क्स रहा था। तो काफी हाई पिछले सीबीटी वन में भी इनका मार्क्स रहा है, और डेफिनेटली जो सीबीटी टू का रिजल्ट आएगा तो वहां भी इनका मार्क्स थोड़ा सा मॉडरेट देखने को मिलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी इनकी थोड़ी सी कम हुई है, ठीक है, जिसकी वजह से थोड़ा सा इनका मार्क्स थोड़ा सा हाई रहेगा। तो सीबीटी वन का मार्क्स आपने देख लिया है, और उसके बिहाफ पे थोड़ा सा हमें ये जजमेंट करा जा सकता है कि क्या कट ऑफ डिसाइड हो सकती है, क्या कट ऑफ हो सकती है। इसके पहले ये कट ऑफ डिसाइड किया जाए उससे पहले हमें ये जानना होगा कि नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है इलाहाबाद में। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज के बिहाफ पे देखें जाए तो यहाँ पे कुल जो पोस्ट है 7482 पोस्ट है इलाहाबाद में, ठीक है, जिसमें से देखा जनरल का 3958, ओबीसी का 1883, एससी का 1124 और एसटी का 514 वैकेंसीज है यहाँ पे, ठीक है। वहीं कैटेगरी में देखा जाए एलपी का, एलपी पोस्ट के लिए जो कि 4236 कुल पोस्ट है, पीसीएम के लिए 797 केवल पोस्ट है, और आईटीआई के लिए 2449 पोस्ट है। तो देखिए यहाँ पे एलबी और आईटीआई में तो बल्ले बल्ले है कैंडिडेट की, और ज्यादातर लोग यहाँ पे फेल भी हुए हैं पार्ट बी में, आपने देखा है रिजल्ट, ठीक है, तो बहुत सुनहरा मौका है लोगों को यहाँ पे, लेकिन पीसीएम के लिए थोड़ा सा मुश्किल की बात है, ठीक है, पोस्ट भी कम है और कंपटीशन भी टफ है। और फाइनली जो कि नोटिफिकेशन में आपने देखा है कि यहाँ पे कुल एएलपी में जो साइको टेस्ट होना है 8 गुना कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा, जिसके बिहार पे 23,888 कैंडिडेट को यहाँ पे सीबीटी टू में क्वालिफाई करेंगे और साइको टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। वहीं पीसीएम का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, जिसकी वजह से सिर्फ यहाँ पे 1.5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाना है, तो कुल 1,195 लोगों को यहाँ पे बुलाया जा सकता है। वहीं आईटीआई में 3,673 लोगों को यहाँ पे सीबीटी टू में क्वालिफाई किया जाएगा और उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो ये पूरा डिटेल रहा इलाहाबाद में कितनी पोस्ट है। अब चलते हैं कि इलाहाबाद के जो कैंडिडेट है उनके कितने मार्क्स आए हैं, ये हमें सर्वे से पता चला है, बहुत ऑनलाइन सर्वे कराया था, बहुत लोगों ने कमेंट किया है, अभी लेटेस्ट अभी भी कमेंट आए जा रहे हैं और लोगों का कमेंट लगातार आता रहा है। तो देखते हैं, चलता हूं मैं सीधे आपको रिस्पॉन्स शीट पे ही लेके जाता हूं और दिखाता हूं कि किन किन कैंडिडेट का कितना कितना मार्क्स आया हुआ है। तो ये देखिए ये इलाहाबाद का रिस्पॉन्स शीट है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लोगों ने कमेंट किया है। यहाँ पे देखिए 20 तारीख का कमेंट है, और लेटेस्ट कमेंट मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए लेटेस्ट कमेंट में देखिए ये 31 मार्च का ये कमेंट आया हुआ है। इसके और भी लेटेस्ट कमेंट मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 4 अप्रैल का कमेंट आया हुआ है, यहाँ पे 4 अप्रैल का भी कमेंट आ चुका है, सॉरी 4 अप्रैल नहीं 1 अप्रैल, ओके 1 अप्रैल का यहाँ पे कमेंट आया हुआ है सुनीता का, यूआर कैंडिडेट है, वुमेन है, ठीक है। 22 जनवरी को सिर्फ सेकेंड शिफ्ट में इनका पेपर हुआ था, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 अप्रैल का कमेंट आया हुआ है, यहाँ पे 31 मार्च, 30 मार्च का सब लोगों ने कमेंट किया है, लगातार कमेंट आते जा रहे हैं इस पे, ठीक है। और इन सारे कैंडिडेटों से जिन्होंने इन लोगों ने अपने शिफ्ट भी यहाँ पे बताया है, किस डेट में इनका एग्जाम था वो बताया है, और किस कैटेगरी से हैं, ये सारी डिटेल
इन लोगों ने बताई है। ये सारे कैंडिडेट जो है वो इलाहाबाद के ही हैं, इलाहाबाद आरआरबी से इन्होंने फॉर्म भरा था और उन्होंने अपना यहाँ पे कमेंट दिया हुआ है। अब मैं दिखाता हूँ इन सभी कैंडिडेट के मार्क्स क्या रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कि ये कैंडिडेट हैं जिन्होंने कमेंट किया है, 21 जनवरी को इनका फर्स्ट सेट में पेपर था। ये डिप्लोमा कैंडिडेट हैं, पार्ट ए में इनका 45 मार्क्स आया हुआ है और पार्ट बी में इनके 45 मार्क्स आए हुए हैं और पार्ट ए में इनका 65 मार्क्स आया हुआ है। तो इस तरीके से देखेंगे हम, देखिए यहाँ पे 10+2 कैंडिडेट हैं, देखिए इनका 81 नंबर आया हुआ है। वहीं आईटीआई कैंडिडेट है, इनका 49 मार्क आया हुआ है, ठीक है। वहीं देखिए ये पूरे 10+2 कैंडिडेट हैं जिनके देखिए 73, 50, 67, 76 मार्क्स आए हुए हैं। डिप्लोमा कैंडिडेट है इनके 49 आए हुए हैं। यहाँ पे बीटेक कैंडिडेट है इनका 70 मार्क्स आया हुआ है। इस तरीके से देखिए यहाँ पे 10+2 के और भी कैंडिडेट हैं जिनके 43, 58, 58 मार्क्स आए हुए हैं। और भी कैंडिडेट हैं देखिए 10+2 के, यहाँ पे 89 तक देखिए हाईएस्ट मार्क इनका 89 आया हुआ है, बहुत अच्छा मार्क्स इन्होंने गेन किया है। वहीं देखिए इनका 73 मार्क्स आया हुआ है। तो 10+2 कैंडिडेटों का मार्क्स देखें तो यहाँ पे देखिए काफी हाई इनके इन्होंने स्कोर भी किया है, काफी अच्छा स्कोर भी किया है। वहीं हम अगर आईटीआई वाले कैंडिडेटों का देखते हैं तो देखिए इनका मार्क्स देखिए ये बहुत अच्छा इन्होंने स्कोर किया है। हालांकि एक दो कैंडिडेट हैं आईटीआई में भी जिनका बहुत अच्छा मार्क्स आया हुआ है। तो वहीं देखिए यहाँ पे और भी आईटीआई कैंडिडेट का देखते हैं तो ये देखिए इनका 42 मार्क्स आया हुआ है, ठीक है। वहीं यहाँ पे ये आईटीआई कैंडिडेट है इनका देखिए 43 मार्क्स आया हुआ है। और भी आईटीआई कैंडिडेट के देखेंगे, देखिए इनका 57 मार्क्स आया हुआ है। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों ने अपने शिफ्ट और अपने डेट के साथ किस डेट में और अपना कैटेगरी वगैरह सब कुछ यहाँ पे बता के रखा है। सारा ऑनलाइन सर्वे कराया गया है, ये मेरा कुछ खुद का बनाया हुआ नहीं है, ये गूगल पे सर्वे किया गया है, वेबसाइट के थ्रू किया गया है, ठीक है। तो ये सारे लोगों ने मार्क्स बताए हैं और इतने सारे लोगों का मार्क्स जब आपको पता चलता है और तो खुद नंबर ऑफ कैंडिडेट का जब आप एवरेज निकाल के देखते हो तो डेफिनेटली वो जो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ कह सकते हो, एक्यूरेसी जो 90% की मेरी जाती है, तो वो इसी बिहाफ पे मैं देता हूँ। कितने सारे लोग कमेंट करते हैं, देखिए 10+2 का देखिए बंदा है 83 मार्क्स गया हुआ है इसका। वही आईटीआई कैंडिडेट है इनका, देखो ये फेल है पूरे, फिर भी कमेंट किया इन्होंने, ठीक है। वही 10+2 का देखिए इनका 64 गया है, 64 गया, ये 85 गया है इनका, बढ़िया मार्क्स लाए हुए लोगों ने, ठीक है। तो इस तरह के से मार्क्स है। वहीं बीटेक का भी मार्क्स देखिए 40, डिप्लोमा का 57, ठीक है। ये देखिए आईटीआई का यहाँ पे 57 मार्क्स आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 10+2 के ये पूरे लगातार लड़कों ने कमेंट किया 84, 71, 77, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने बहुत अच्छा अच्छा लोगों ने कमेंट किया है, 69, 60। और मुझे उम्मीद है कि जो लोगों ने कमेंट किया है वो अपना एग्जैक्ट डिटेल बता रहे होंगे, ठीक है। अब एग्जैक्ट डिटेल है कि नहीं ये तो मैं नहीं किसी और के साथ गारंटी ले सकता हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि जिन लोगों ने इतनी वेबसाइट पे आके अपना नाम डाला, अपनी डिटेल डाली, तो वो गलत नहीं बताएंगे, ठीक है ना, चीजें वो सही बताएंगे। और इस तरीके से देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग कैंडिडेट का हमने मार्क्स यहाँ पे देखा है और इसी के बिहाफ पे हम फाइनली कट ऑफ दिखा रहे हैं। तो चलते हैं देखते हैं कि फाइनल इस साल का कट ऑफ क्या रहेगा। तो इतने सारे कैंडिडेटों का रिस्पॉन्स शीट तैयार करने के बाद और रिस्पॉन्स देखने के बाद आप फाइनली डिसाइड कर सकते हो। थोड़ा सा मैंने उनके जो मार्क्स है उसे थोड़ा सा मॉडरेट करके रखा है क्योंकि मैं फाइनल कट ऑफ यहाँ बता रहा हूँ कि ताकि आप फाइनली सिलेक्शन के लिए सोचो, ना कि सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओ और वहां पे आपका जब इंक्रीमेंटेशन हो जाए मार्क्स का तो आप छट के बाहर आ जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपका मैं जो मार्क्स बताऊंगा और उससे जो मार्क्स आपका आता है, इतने में से आपका मार्क्स आता है, तो डेफिनेटली आप फाइनली सिलेक्ट हो जाओगे आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आफ्टर साइको। साइको में बस थोड़ा सा एएलपी वाले कैंडिडेट को मैं बोलूंगा, अगर इतने मार्क्स आपके आ रहे हैं और आप थोड़ा सा साइको में मेहनत कर दो तो डेफिनेटली आप फाइनली सिलेक्ट हो जाओगे, फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एएलपी कैंडिडेट का जो कट ऑफ है वो 57 से 62 के बीच में रह सकता है, वही ओबीसी का 55 से 60 के बीच में रह सकता है, एससी का 52 से 56 के बीच में और एसटी का 44 से 49 के बीच में रहेगा। पीसीएम कैंडिडेट का थोड़ा मॉडरेट रहेगा, जरूर रहेगा। इलाहाबाद वे वैकेंसीज बहुत ज्यादा नहीं कह सकते, 700 के आसपास नियर अबाउट वैकेंसीज हैं और के नंबर ऑफ कैंडिडेट भी यहाँ पे ज्यादा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा कट ऑफ हाई रहेगा। पिछले साल का 75% गया है लेकिन इस साल भी उससे कम नहीं रहेगा, उससे थोड़ा सा मॉडरेट ही रहेगा, यहाँ पे 79 से 88 के बीच में रहेगा। ओबीसी का 77 से 85 के बीच में रह सकता है, एससी का 70 से 78 के बीच में रह सकता है और एसटी का 70 से 75 के बीच में रह सकता है, ठीक है। आईटीआई कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पे जनरल के लिए 55 से 62 के बीच में रहेगा, ओबीसी का 52 से 58 के बीच में रहेगा और एससी का 48 से 55 के बीच में रहेगा। और यहाँ पे एससी का, एसटी का भी एसी के नियर अबाउट रह सकता है, कुछ ज्यादा रिस्पांस नहीं मिला था इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है। लेकिन नियर अबाउट इसे कह सकते हो कि 45
एवं इनका मार्क्स अगर आपका एसटी कैंडिडेट का है तो डेफिनेटली आप अपने आप को सिक्योर यहाँ पे समझ सकते हो। तो पूरा डिटेल यही है दोस्तों, ये फाइनल कट ऑफ है, इतने नंबर आते हैं आपके तो डेफिनेटली डॉक्यूमेंट के लिए आप प्रिपेयर जरूर रहिएगा। एएलपी वाले साइको के लिए जरूर प्रिपरेशन करिए, आपका मार्क्स इतना आता है तो साइको में आप फेल होना बहुत बुरी बात होगी और साइको में आपको क्वालिफाई करना है। 30% मार्क्स जुड़ना है वहां पे डेफिनेटली और ज्यादा स्कोरिंग यही रहेगा, 70% यहाँ से आने वाला है। तो आप बिल्कुल अच्छे साइको की तैयारी करिए, बाकी पीसीएम और आईटीआई कैंडिडेट डॉक्यूमेंट जरूर तैयार कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट का जो भी डिटेल है मैं अपने वीडियो में बना चुका हूँ, वो आप देख लीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपकी जरूरत है, आई बटन में आपको देखने को वहां पे मिल जाएगा। तो फाइनली आज के लिए बस इतना ही है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर आप लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो देखें और उनको इसका पता चले, ताकि आपके जो भी दोस्त हैं उनको भी इस बात ये सारी डिटेल का बारे में जानकारी हो और वो भी तैयारी करें, डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी हो और डॉक्यूमेंट की तैयारी वो जरूर रखे, अपने पास बना के रखे। जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है डेफिनेटली उसे बनवा लीजिए, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद बहुत ज्यादा समय आपके पास नहीं बचेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आपका दिन शुभ रहे, जय हिंद जय भारत।